तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 से 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं और जेई में मेंस में तो आ ही जाते हैं क्वेश्चन, है ना। तो अब एक चीज समझो कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बिल्कुल ही कूलम फोर्स के जैसा है ना। थोड़ा सा डिफरेंस, ऐसा नहीं बिल्कुल एक जैसा है, डायरेक्शन वाइज दिक्कत है। जैसे आपको अगर याद हो तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये पढ़ा था कि जब भी दो चार्ज हों और उनके मैग्नीट्यूड मान लो Q1 और Q2 है और उनके सेपरेशन r स्मॉल r मान लेते हैं, तो उनके पीछे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द k, क्या था कांस्टेंट जिसका वैल्यू था 9 × 10⁻¹ इंटू सॉरी एफ इज योर फोर्स, क्या आया था k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये चीज हमने पढ़ा था। और दोनों के बीच फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ये पता करने के लिए हम चार्जेस के नेचर देखते थे। इसी तरह से जब भी दो बॉडी के पास मास होगा वो दो बॉडी आपस में एक फोर्स लगाएंगे। हाँ, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अगर दो बॉडी जिनके पास मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। अब नॉर्मल लाइफ में आपको लग रहा हो सर ऐसे तो हमारे चारों तरफ हर चीज के पास मास है तो क्या हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। लेकिन जब एक किसी बॉडी जैसे आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जैसे मेरे ऊपर एक फोर्स लग रहा हो 0.000001 न्यूटन, तो इतने फोर्स से मेरे बॉडी को इस फोर्स का एहसास भी नहीं होगा। बट जब बहुत बड़ी बड़ी बॉडी आ जाती हैं, जैसे कि हमारे अर्थ सन, है ना, इनके मासेस कैसे हैं बहुत ज़्यादा, तो इनमें जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं ये फोर्स सिग्निफिकेंट होता है और इसकी अच्छी वैल्यू होती है। मेरी बात समझ में, अच्छी मतलब काफ़ी हैवी वैल्यू होती है, क्लियर है। तो आपको इस चीज़ समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, जब भी दो बॉडी के ऊपर मास हो, कोई भी दो बॉडी जो मास कैरी करती हैं उनके बीच में फोर्स लगेगा, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स नेचर में कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, ठीक है, इसी आप नोट करो। और बिल्कुल कूलम फोर्स की तरह अगर दो पॉइंट मास हैं, इसका मास ले लिया मैंने m1 और यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर सेपरेशन पर m2 दूसरा मास रखा हुआ है, तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कैपिटल जी m1 m2 बाय सेपरेशन का स्क्वायर। अगर कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जी वो 9.8 नहीं है, ध्यान समझना, ये जी क्या है, ये जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हर प्लेनेट के लिए वैलिड है। जबकि स्मॉल जी जो है ना, जो 9.8, जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पहले सोचो कि जो जी आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते आते थे 9.8 या जिसे हम 10 लेते थे, वो क्या चीज़ थी, क्या वो हर प्लेनेट पर इक्वल आए हो, नहीं, वो मून के लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा, है ना। तो प्लेनेट टू प्लेनेट वो वेरी करता है, लेकिन ये जो जी पढ़ रहे हैं ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। वो जी क्या था, ग्रेविटी की वजह से जो बॉडी को एक्सेलरेशन मिलता है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप चाहो तो पेज के टॉप पर नोट कर लो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, टॉप लिख लो भी काम में आएगा। तो स्मॉल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू होता है यूनिट, क्या हो जाएगा, देखो जी का यूनिट न्यूटन, ये आर स्क्वायर इधर आ गया मीटर स्क्वायर, और ये केजी, केजी स्क्वायर अपन नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा केजी स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक। अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो देखो डायमेंशन निकालना अपने को आता है, न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, तो आप ऐसे लिख सकते हो m इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब l t इनवर्स 2, कोई परेशानी, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर अपॉन kg, मतलब मास, मास मतलब m स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, देखो m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इतनी चीजें नोट करो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, तो आप नोट करके, स्टार मार्क करके नोट कर दो, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक। सेकंड पॉइंट, ये लगेगा कहां, इसका जो डायरेक्शन होगा ना, दो बॉडी के बीच में जो लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन होगी
उसी के अलोंग लगेगा। मतलब अगर एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ रखा है, तो दोनों बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन। बट वो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? इन दोनों मास को जो ज्वाइन कराने वाली लाइन होगी, उस लाइन के अलोंग ही ये फोर्स लगेगा। दैट्स वाई दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। आप ये चीज नोट कर लो, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मास। दैट्स वाई दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मास, इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास। अब इसके नीचे अपने वर्ड्स में नोट करेंगे, ध्यान समझें। ऑल्दो ये जो पॉइंट मास वाली बात है ना, ये रिलेटिव क्वांटिटी है। कैसे? जैसे मान लो एक हमारी अर्थ हो गई और हमारा सन हो गया, क्या अर्थ सन के साइज पॉइंट मास है क्या ये? नहीं। बट सोचो अगर बहुत बड़ी बॉडी को, जैसे लाइक अर्थ और अर्थ एंड सन, इनको मैं बहुत ज़्यादा सेपरेशन पर ले जाऊँ और मैं सन से अर्थ को देखूँ, अर्थ से सन को देखूँ, क्या दे विल लुक लाइक अ पॉइंट मास? समझ में आ रही बात? तो अगर दो बहुत हैवी साइज की बॉडी बहुत बड़े सेपरेशन पर रखी हो, देन दे विल कंसीडर एज अ पॉइंट मास। और मैं सच बताऊँ, आप इसमें कभी भी नहीं फंसोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको बोला जाएगा कि इन दो बॉडी को पॉइंट मास कंसीडर कर लो, एंड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लॉ इज वैलिड। तो आपको सिर्फ ऐसे ही करना है और सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा, सर एक बात हो, मान लो अगर कभी ऐसा हुआ कि बॉडी जो है वो पॉइंट मास नहीं है, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर इंटीग्रेशन है ना, बॉडी किसी भी शेप एंड साइज की हो। आपको याद है इलेक्ट्रोस्टेट में हमने क्या सिर्फ कूलम फोर्स से ही फोर्स निकालते थे क्या दो चार्जेस के बीच में? आपको याद है एक रिंग होती थी, रिंग पर चार्ज होता था, हाफ रिंग पर चार्ज रखा था हमने, उसके सेंटर पर फोर्स पूछा था। तो क्या आपने कूलम फोर्स लगाया था? आपने एलिमेंट लिया था, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट कट किया, उस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स निकाला, फिर पूरे पे इंटीग्रेशन किया, तो आपने बोला इस रिंग पे लगने वाला नेट फोर्स ही आ गया। तो जहां भी नहीं कर पाएंगे वहां इंटीग्रेशन से कर देंगे। क्लियर मेरी बात? ओके, तो आप ये चीज नोट कर लो, ये स्टार मार्क करके पॉइंट नोट करो। क्या नोट करना था? कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉइंट मास, और साइड नीचे क्या लिख लेना है कि जो पॉइंट मास है वो रिलेटिव पॉइंट रिलेटिव कंसिडरेशन है। कि अगर दो बहुत बड़े साइज की बॉडी भी इनफाइनाइट सेपरेशन पर रखे होंगे, तो हम उनको पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन बोल दिया कि कंसीडर देम एज अ पॉइंट मास, तो कर ही लेना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, चलो ये चीज आप नोट कर लो, ये ग्रेविटेशनल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और कोई पॉइंट तो रह नहीं गया ग्रेविटेशन से रिलेटेड? नहीं, ठीक है, और काम में आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो आपको याद हो तो हमने बिल्कुल वैसे ही चलेगा चैप्टर जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टेट में चलाया था। बट यहाँ पर डेरिवेशंस मैं कम कराऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन जरूरत ही नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। जो कुछ भी काम हमने किसमें किया था, जो भी काम हमने इलेक्ट्रोस्टेट में किया था, वही सेम काम इसमें करेंगे। सोचो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, ध्यान समझना मेरी बात को। हमने इलेक्ट्रोस्टेट में फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा ग्रेविटेशन में, इसे मैं कूलम फोर्स बोल देता हूँ, इसको ग्रेविटेशन, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस साइन लगा रहा हूँ, माइनस साइन सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अट्रैक्शन के लिए है वो, बस और कुछ नहीं। मतलब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोस्टेट की फॉर्मूले में के आ रहा है ना, वहाँ वहाँ जी रख दो, और जहाँ चार्ज आ रहा है वहाँ एम वन एम टू रख दो, सब कुछ सही रहे। जैसे मैं आपसे बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती होगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? जी एम बाई आर स्क्वायर। खत्म। क्लियर मेरी बात? तो ऑल दो मैं आपको डेरिवेशंस वगैरह जो रहेंगे वो इम्पोर्टेंट, वो पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके इसी वीडियो में अटैच करके जहाँ जहाँ जरूरत होगी वो मैं करता जाऊँगा। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप लर्न करते जाओ और देखते जाओ उसको। ठीक है, चलो।
एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हर मतलब कई बार पूछ चुके हैं यार इसको, ऐसे पूछा जाएगा। कि तीन मास हैं, इक्वल मास, थ्री इक्वल मास आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड दे आर फॉर्मिंग अ सर्कल, ऐसे क्वेश्चन समझना ध्यान से, इस तरह से थोड़ा अच्छा सर्कल नहीं बना, आप पहले सर्कल बनाना बाद में ट्रायंगल बनाना है ना, गड़बड़ी अच्छा बनता। इस तरह से ये तीन मास रखे हुए हैं, M, यहाँ पर भी एक M और ये एक और M, ठीक। और ये इसका एक जो सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का, उसके इस तरह से मूव कर रहा है, साइड ले लो साइड A मीटर, तो ये तीनों किसी न किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहे होंगे। तो अगर जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो एक बात समझ में आई ना कि तीन मास एक सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो सर्कल में मूव करने के लिए हमें तो एक बात पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, सॉरी सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए। सेंटर कहाँ है? ये रहा, ये रेडियस हमने कुछ मान ली आर। हमें एक चीज पता है कि जब भी बॉडी सर्कल में घूमती है तो इसे एक सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होता है, और सेंट्रिपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स होता है उसका वैल्यू होना चाहिए एमवी स्क्वायर बाय आर के इक्वल। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि तीन जो पार्टिकल है ना इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे हुए थे, और वो जिस तरह से मूव कर रहे थे वो एक सर्कल फॉर्म कर रहे थे, ठीक। अब ये किस क्यों मूव कर रहे हैं, मतलब इसको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन दे सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हर एक पार्टिकल किसके वजह से सेंटर, किसकी वजह से एक सर्कल में घूम पा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से घूम पा रहा है। तो अपने वो क्या बोला गया कि वो स्पीड पता करो जिस स्पीड से ये इस सर्कुलर पार्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्या हम किसी भी एक मास पर नेट कितना फोर्स है वो निकाल सकते हैं? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्स, ऐसे लिखना चाहिए नेट फोर्स एट एनी मास पार्टिकल, एफ नेट इज इक्वल टू, अब याद करो कैसे निकालते थे नेट फोर्स, याद है टू एफ कॉस थीटा बाई टू लिखाया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, टू एफ कॉस थीटा बाई टू। इसलिए बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट ढंग से रिवाइज करके ही पढ़ना ये चैप्टर, भले ही दो दिन बाद करें लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट देखने के बाद ही करें, ये तभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। सो टू एफ क्या होगा, दो मास के बीच लगने वाला फोर्स, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, इन दोनों बीच एंगल कितना है, ये एंगल भी 30 है और ये एंगल भी 30 है, तो टोटल 60 डिग्री, कॉस 30 हो गया रूट थ्री बाई टू, तो हो गया जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इनटू रूट थ्री, दिस इज द नेट फोर्स बिटवीन सॉरी एट अ पर्टिकुलर मास। अब ये जो फोर्स है ये फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स के। अच्छा इस आर का वैल्यू निकाला जा सकता है, ये सेपरेशन कितना होगा a बाई टू, अगर इस ट्राइंगल में हम cos थीटा अप्लाई करें तो cos 30 इज इक्वल टू a बाई टू अपॉन r, cos 30 हो गया रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू a बाई टू आर, इससे ये चला गया। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, r इज इक्वल टू आ गया a बाई रूट थ्री। आपने को पता ये तो नेट फोर्स निकला है, कि नेट फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल, तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू रूट थ्री जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आर का वैल्यू रख दो, आर का वैल्यू कितना है ए बाय रूट थ्री, तो ए बाय रूट थ्री, आप एक स्टेप बढ़ा लेना भाई, रूट थ्री से रूट थ्री चला गया, इस एम से ई एम चला गया, इससे ये चला गया, तो वी इज इक्वल टू या वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय ए, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम बाई ए का अंडर रूट, दिस इज द स्पीड, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कुछ भी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया होगा, देखो हमने एक ट्रायंगल पे किया होगा, फिर एक स्क्वायर पे किया होगा, है ना। तो बस उसमें क्या था, अब जैसे इसी क्वेश्चन में मुझे बनाना होता, हम क्या करेंगे, मैं आपसे बोलूँ फाइंड आउट दी स्पीड इफ दे आर मूविंग अलोंग अ रेक्ट, ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ना, एक ऐसे सर्कल है और वो जो मूव कर रहे हैं वो इस तरह से, ये एक मास पार्टिकल यहाँ 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 यहाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। आप चाहो तो ये आपका असाइनमेंट हो गया, ठीक। साइड ए मान लेना स्क्वायर की, और आपको क्या बताना है कि इस तरह से मूव कर, बिल्कुल सेम। तो आपको ये बताना है कि उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। अब वो एंगल वेंगल तो आपको बताइए, सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना, ठीक है। चलो तो स्क्रीन स्टॉप करके से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी हमने किया था, उसी को बस मास में ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करके, इसलिए करा रहा हूँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। एक रॉड है जिसका मास कैपिटल एम, लेंथ एल, इसके सेंटर से यहां से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है स्मॉल एम। तो क्या ये रॉड इसको अट्रैक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, बट क्या ये पॉइंट मास है? नहीं। और हमने इस तरह का किया था, वहां याद है चार्ज ऐसे कर दिया था, फिर बोले चार्ज पर लैम्डा है, देन फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड एट द पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर क्या करोगे आप, आपको पता है क्या रॉड का हर रॉड इसको अट्रैक्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही। तो आपने ऐसा किया कि यहाँ से ये पहले क्वेश्चन नोट कर लो आप, मैं हटा देता हूँ डेटा, ठीक। तो आपने क्या किया, यहां से एक्स पे जाके डीएक्स का एक एलिमेंट कट किया। इस डीएक्स एलिमेंट पर, इस डीएक्स एलिमेंट का मास क्या होगा? तो आप बोलोगे कैपिटल एम बाय एल इंटू डीएक्स, दिस इज द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, क्लियर। और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? डीएफ। डीएफ क्या हो जाएगा? जी स्मॉल एम इंटू डी एम, डी एम मतलब कैपिटल एम बाई एल इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कहां से कहां, ये कितना था, ए, ए से ए प्लस एल, बस सिंप्लीफाई आंसर। तो यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर आ गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाय एक्स, ए से ए प्लस एल, और कुछ रह तो नहीं गया ना, नहीं सब सही है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम वन बाय ए माइनस वन अपॉन ए प्लस एल, कैलकुलेशन चेक कर लेना जरा, अपर लिमिट रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन ए प्लस एल, माइनस माइनस प्लस, तो वन अपॉन ए, तो वन अपॉन ए माइनस वन, सही है एकदम, ए इंटू ए प्लस एल, तो ए प्लस एल माइनस ए, तो फोर्स आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इंटू एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। और फोर्स का डायरेक्शन तो हम कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं, बस ये समझ में आ गई, ये कैसे रख दिया, ये तो लिमिट सब्स्टिट्यूट किया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का वन अपॉन ए प्लस एल, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का वन बाय ए, तो मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। चलो ये चीज नोट करो, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके अगले टर्म पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो स्मॉल जी की बात हम किया करते थे, ठीक है। चलो।